प्रेमी युगल को निर्वस्त कर गांव में करीब 1 किलोमीटर निर्वस्त कर घुमाने के मामले में पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पीड़िता और उसके पुरुष मित्र को 2 दिनों तक बंधक बनाकर 15,000 रुपए जुर्माने की मांग की गई थी। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को नंगा कर घुमाया गया था। इस मामले में मुख्य आरोपी मयूर नाचा गाँव के ग्राम प्रधान श्यामूधन किस्कू सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में ग्राम प्रधान का बेटा किरण किस्कू के साथ ही पीड़िता का जेठ और देवर भी शामिल है। यह घटना सोमवार को दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गांधो इलाके में मयूर नाचा गांव में हुई थी। घटना में संलिप्त लोगों ने दोनों को निर्वस्त्र वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया था। मुख्यालय के डीएसपी विजय कुमार ने कहा कि अवैध प्रेम संबंध के संदेह में गांव के 40 से 50 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। ग्राम प्रधान सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 1 आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। महिला और उसके कथित प्रेमी को वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा अपना नाम दर्ज है 40 से 50 समिति द्वारा रोक करके अवैध संबंध के सकते उनको गांव में घुमाने का बस उतार करके गांव में घुमाने की घटना की बात आई थी। इस संबंध में पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इस घटना को पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन ने काफ़ी गंभीरता से लिया था। कल जो पीड़ित महिला थी उसको सामाजिक सुरक्षा के साथ पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के द्वारा सहायता प्रदान की गई, उसको सुरक्षा प्रदान की गई थी और केस जो दर्ज हुआ था उसके तहत हम लोगों ने घटना में संलिप्त जो नामजद हैं 4 जो व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसमें गाँव का प्रधान भी है और एक अन्य है जो जिसकी संलिप्तता की बात सामने आ रही है। टोटल अभी तक हम लोग 4 गिरफ्तार किए, एक हमने डिटेन किया, उस पर 7 संतुलन किए जा रहे हैं। 7 मिलने पर उस पक्षे को भी हम लोग न्यायिक हिरासत में देखेंगे।